नमस्कार दोस्तों, आपको मेरे YouTube चैनल में फिर से स्वागत है जिसका नाम है बाय सेल सिग्नल सॉफ्टवेयर। तो अगर आप शेयर मार्केट में काम करते हैं, लॉस से परेशान हैं, या फिर आप जितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं उतना रिटर्न आपको नहीं मिल रहा है, तो थोड़ा सा टाइम निकाल के मेरा वीडियो को देख लीजिए, शायद आपके लिए कुछ बेनिफिट हो सकता है। आज को मैं बैंक निफ्टी ऑप्शन के ऊपर बेस करके वीडियो बनाने जा रहा हूँ, और इस वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूंगा जो मार्केट में कॉल कैसे बनता है, कैसे आप एक स्ट्रॉन्ग कॉल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैसे आप फेक कॉल से बच सकते हैं, एज वेल एज एंट्री लेने के साथ साथ आपको एग्जिट कहां पर करना है। देखिए, बेसिकली अगर आप ऑप्शन ट्रेडर है एंड ऑप्शन बायर्स है, तो आपके लिए एंट्री जितना इंपॉर्टेंट है, एग्जिट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हम लोग एंट्री तो ले लेते हैं, बट सही जगह पे मार्केट को छोड़ नहीं पाते। मैक्सिमम टाइम क्या होता है, हम लोग एक छोटा प्रॉफिट लेके निकल जाते हैं और उसका बाद देखते हैं मार्केट लंबा रैली देखेगा। और कभी कभार ये उल्टा भी होता है, जो हम लोग थोड़ा सा ज्यादा वेट करने के चक्कर में हाथ में जो भी पैसा आ रहा था वो भी हाथ से निकल जाता है। तो दोनों तरफ ही फंसते हैं। रीजन एक है जो हम लोग सही जगह पे मार्केट को छोड़ नहीं पाते। तो इस वीडियो में मैं सारा चीज को एक्सप्लेन करूंगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, काफी सारा नॉलेज आपको मिलने वाला है। तो एज ए एग्जाम्पल, अभी आपका सामने 51,500 का कॉल का चार्ट लगाया हुआ है। अभी अगर चार्ट का एकदम बिगिनिंग से देखा जाए, मॉर्निंग को देखिए आपको एक सेलिंग का कॉल दिखाई दे रहा था। ये जो रेड कलर का एरो है, मेरा क्रॉस एयर पे ध्यान दीजिए, एकदम भी चार्ट का बिगिनिंग में ये जो रेड कलर का एरो ही आपका सिग्नल है। जब भी कोई सिग्नल बनेगा, आपका स्क्रीन के ऊपर ऑटोमेटिकली पॉपअप आ जाएगा साउंड का साथ। अब क्वेश्चन ये है, जो कॉल सही है या गलत है, ये हम लोग पहचानेंगे कैसे? मार्केट में हर रोज काफी सारा कॉल बन रहा है, तो ट्रेड लेने का पहले क्या क्या चीज देखना है? सबसे पहले यहाँ पर तीन कंडीशन होता है। जब भी कोई भी सिग्नल बने, जैसे ये सेल का कॉल है, सेल का कॉल में यहाँ पर तीन चीज जो देखना है, उसमें से एक है नीचे का जो रिबॉन है इसका कलर क्या है। अगर नीचे का रिबॉन रेड है, इसका मतलब यहाँ पर सेलर स्ट्रॉन्ग है। जहां पर आपको नीचे का रिबॉन रेड दिखाई दे रहा है, मतलब समझ जाना है जो वहां पर मार्केट में सेलर्स बैठा है। तो ये रेड पट्टी एक कंडीशन होता है, सेल का कॉल का पहले एक रेड स्टार बनता है जो रेड स्टार दिखाई दे रहा है। और नीचे में देखिए एक ब्रिक्स बोल के इंडिकेटर आता है, इसे एक कैंडल जैसा ही देखने में है, इसका कलर को रेड होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट है, ये व्हाइट लाइन का नीचे होना चाहिए। अगर ये तीन कंडीशन मैच होता है, तभी जाके आप किसी कॉल को स्ट्रॉन्ग कॉल बोलेंगे, अदरवाइज नॉट। तो सपोज ये मॉर्निंग को जो ये कॉल मिला था, तो कंडीशन के हिसाब से कॉल सही था, बट ट्रेड एक्चुअली करेंगे कब? ट्रेड करने का नियम होता है, सिग्नल का पहले हमेशा एक ब्लू कैंडल बनता है, और जब तक वो ब्लू कैंडल का लो को नहीं तोड़ता है, तब तक वो कॉल कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है। तो जैसे मुझे दिखाई दे रहा है, जो ये ब्लू कैंडल का नीचे कोई कैंडल आया ही नहीं, तो इसके लिए ये सेल का कॉल में आपको ट्रेड नहीं करना है। तो देखिए, दिन का अगर फर्स्ट कॉल में हम लोग का गलत एंट्री हो जाता है और लॉस हो जाता है, तो सारा दिन के लिए मोरल डाउन हो जाएगा। तो इसके लिए एंट्री लेने का टाइम ये सारा कंडीशन आपको प्रॉपरली चेक करना है। अल्टीमेटली कि यहां पर मार्केट साइडवेज करने के बाद यहां पर एक बाइंग का कॉल दिया। अब जैसे यहां पर लिखा है 323.4 में ये बाय का कॉल मिला है, इसमें भी अभी आपको वही सेम कंडीशन को देखना है। सिग्नल का टाइम नीचे का रिबन का कलर ग्रीन होना चाहिए। ग्रीन है मतलब ऑलरेडी मार्केट में बाइंग ट्रेंड आ चुका है। बाय का कॉल का पहले ग्रीन स्टार बनेगा, और नीचे का जो ब्रिक्स इंडिकेटर है वो ग्रीन रहेगा और व्हाइट का ऊपर भी रहेगा। अगर ये तीन कंडीशन मैच है तो ट्रेड करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो देखिए, ये 323 से मार्केट हाई मारा था 433 का, मतलब 100 पॉइंट का मूवमेंट यहाँ पर बैंक निफ्टी में देखे गया। अभी एक्चुअली इसका एग्जिट कब होगा? जब ये नीचे का जो ब्रिक्स इंडिकेटर है, जब ये व्हाइट का नीचे आ जाता है, तब पोजिशन को छोड़ देना चाहिए। तो ये वाला जो हम लोग का नीचे वाला इंडिकेटर है, ये आपको स्कैल्पिंग करने के लिए काफी हेल्प करता है। तो याद रखिएगा, एंट्री लेने का टाइम नीचे का रिबन का कलर ऑब्वियसली ग्रीन होना चाहिए। सिग्नल का पहले स्टार बनना चाहिए। स्टार बनने का मतलब है यहाँ पर अच्छा ब्रेकआउट मिला है, और ब्रिक्स व्हाइट लाइन का ऊपर होना चाहिए। अगर ये तीन पैरामीटर मैच होते हैं, तो आप कुछ ना कुछ रिटर्न यहाँ से लेके जाएंगे। और जैसे आपको दिखाई देगा ब्रिक्स वाला इंडिकेटर व्हाइट का नीचे आ जाएगा, आपका पोजिशन यहाँ पर स्क्वायर अप कर लेना है। फाइनली देखिए, यहाँ पर सेलिंग का कॉल बना। अभी सेल का कॉल में भी देखिए, पहले स्टार बना था, नीचे का रिबन रेड था, ब्रिक्स सबका फेवर में था, और यहां पर भी अगर मैं ब्लू कैंडल का लो का बाद भी ट्रेड लेता हूं, तो भी यहां पर एक अच्छा खासा बेनिफिट बना लिया। तो सेलिंग साइड में यहां पर पैसा बन रहा है, मतलब अगर आप ऑप्शन बायर्स हैं, तो आप यहां पर पुट बाय करके भी पैसा बना सकते हैं। फाइनली देखिए, यहां पर भी एक बाय का कॉल बना। जैसे कभी कभार क्या होता है, स्टार एक दो कैंडल बाद में आता है, तो स्टार जब आएगा उसका बाद ही आपको ट्रेड लेना है, उसका पहले नहीं। अगर यहाँ पर थर्ड कैंडल पे आपको स्टार दिखाई दे रहा है, तो थर्ड कैंडल का बाद ही आपको आइटम लेना है, उसका बाद भी आप यहाँ पर एक अच्छा खासा रिटर्न बना सकते हैं। और हमेशा ब्रिक्स को ध्यान में रखना है, जो कभी व्हाइट का नीचे आए, जब भी ब्रिक्स व्हाइट को तोड़ के नीचे आ जाएगा, उसका बाद ही आप पोजिशन को स्क्वायर अप कीजिएगा। तो हम लोग का सॉफ्टवेयर में एंट्री एंड एग्जिट दोनों को ही काफी प्रोमिनेंट बनाया गया,
और ऑप्शन बायर्स के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फाइनली देखिए मार्केट नीचे गिरा था, यहाँ पर सेल का कॉल बना था, इसका पहले भी रेड स्टार बन गया, नीचे का रिमोन रेड है, ब्रिक्स आपका नीचे था व्हाइट का, और फाइनली मार्केट इतना नीचे लेके आया और यहाँ पर ब्रिक्स जैसे व्हाइट का ऊपर गया तो मुझे पोजिशन यहाँ पर स्क्वायर अप करना है। तो आज का सारा दिन का परफॉर्मेंस अगर देखा जाए, सुबह से लेके एक दो तीन चार पांच कॉल बन गया। अब पांच कॉल में से देखिए चार कॉल ने आपको ठीक ठाक प्रॉफिट देके गया और एक कॉल फॉल्स हुआ जो मॉर्निंग का फर्स्ट कॉल था। तो देखिए दिन का फर्स्ट कॉल में ही अगर हम लोग लॉस खा जाते हैं तो पूरा दिन का मोरल डाउन हो जाएगा। तो इस चीज को समझना है जो कौन सा कॉल में ट्रेड करना चाहिए, कौन सा कॉल में ट्रेड नहीं करना चाहिए, एंट्री अगर ले रहे हैं तो मुझे एग्जिट भी कहां पर करना है। तो ये तीन चीज को आपको सिंपली फॉलो करना है। एक है नीचे का रिबन का कलर, अगर ग्रीन है मतलब उस जगह पे आप बाइंग ही कीजिएगा, स्टार आपको ब्रेकआउट देता है और नीचे का ब्रिक्स आपको स्कैल्पिंग करने के लिए हेल्प करता है। तो ये तीन स्ट्रैटेजी का जो कॉम्बिनेशन है, अगर आप इसको सही से फॉलो करेंगे, मोर देन 80 to 85% का आपको एक्यूरेसी लेवल मिलेगा। तो लॉजिक कैसा लगा जरूर कमेंट के बोलिएगा, अच्छा लगने से लाइक शेयर जरूर कीजिए, फर्स्ट टाइम चैनल को देख रहे तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि इस तरह का वीडियो आपको मिलता रहे। एंड मन में कोई भी डाउट या क्वेरीज आप दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, लाइव डेमो के लिए भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप न्यू हैं, अकाउंट ओपन करना चाहते हैं या हम लोग के थ्रू ज्वाइन होना चाहते हैं, जैसे हम लोग एलेक्स ब्रोकर के साथ काम करते हैं, काफी अच्छा ब्रोकर कंपनी है, काफी सारा फैसिलिटीज भी दे रहे हैं, स्पेशली अगर आप ऑप्शन ट्रेडर है तो ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए और भी अच्छा है। तो थैंक यू सो मच, वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बोलिएगा। एंड फाइनली लास्ट एक चीज बोलना चाहता हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है हम लोग का सॉफ्टवेयर टोटली नॉन रिपेंट कॉन्सेप्ट पे चलता है। नॉन रिपेंट का मतलब है यहाँ पर कोई भी चीज रिपेंट नहीं है। मार्केट में ऐसा बहुत सारा स्ट्रेटेजी होता है जो ऑफलाइन में तो देखने में बहुत ही अच्छा लगता है और लाइव जब चलेगा उसका सिग्नल चेंज होते रहता है, बट हम लोग का यहाँ पर ये जो सिग्नल आप देख रहे हैं, जहां पर जो देख रहे हैं लाइव मार्केट में भी वहां पर ही वही रहेगा। तो इस पे कोई भी चीज रिपेंट नहीं होगा, टोटली नॉन रिपेंट ये सॉफ्टवेयर है। थैंक यू।